और वो फंस गया यार। ये जो ऊपर से पत्थर आए हुए हैं, इन्होंने ये ब्रिज उठा के फेंक दिया। मूव मूव मूव, हो गया काम ना। तो ये है वो सेक्शन शिंकुला वाला, जहाँ पे ऊपर से यू नो बार बार इशू आ रहे थे और वो फंस गया यार। यार ये कहीं फंस के ना खड़ा हो जाए बंदा। भाई ऐसा कुछ स्टेटस है, बीआरओ की टीम इधर है जो कि मैनेज कर रही है। आगे जो वो वाला सेक्शन है ना, वहाँ पे थोड़ी सी चढ़ाई है और जब पत्थर आ जाते हैं नीचे तो गाड़ी, जैसे ट्रक है, ये ट्रक नहीं चढ़ पा रहा है ढंग से और थोड़े से इश्यूज तो रहेंगे। नॉर्मल गाड़ियाँ तो यहाँ पे हम श्योर फंसेंगे। व्हाट, धूप आ गई? छोटे से नाले से आए हैं, दिख रहा है? हाँ, इस नाले से आए हैं ना, सामने वाले से। ये देखो यार, तो ये छोटा नहीं है ना, ऊपर से तो रॉकेट बना देता है। इसके पीछे क्या है? हुनो, एक चीज है, हाँ। एक चीज है कि हाँ। ये जितने पागल नाला है, पत्थर क्यों देखते हैं? पागल है वो, इसलिए। पानी तो आता नहीं, पत्थर पत्थर लाते हैं। ये जो ऊपर से पत्थर आए हुए हैं, इन्होंने ये ब्रिज उठा के फेंक दिया। आप देख लो, इतना भारी, इतना बड़ा ब्रिज इन्होंने, हाँ हाँ और क्या, और ये उठा के फेंक दिया। मतलब समझ जाओगे क्या लेवल है इसका। चलो यार, गुड गुड गुड, निकल गया ट्रक। छोटी गाड़ियां तो इस रोड पे आप भूल ही जाओ फिलहाल। हाँ, और ये तो सुबह 7 बजे का टाइम है, 6:30-7 के बीच का टाइम। दोपहर 1 बजे तो फिर बंद हो जाना है। पानी फिर बहुत बढ़ जाएगा यहाँ पर। पानी नहीं, मलबा, जो पत्थर पत्थर भी आ सकते हैं, पागल नाला भी। गेम रिपीटिंग, फोर लो में आना है, फोर हाई में बस आना है। ओवर स्पीड होगा टायर, अदरवाइज हम गाड़ी कट सकती है कहीं ना कहीं। चलो आखिरकार हमारी फर्स्ट गाड़ी अब एंटर करेगी, सेकंड गाड़ी मतलब। अरे चोट लगेगी मेरे भाई, आराम से आ जाओ, आ जाओ। ये तो बेशर्मी से आ जाएगी वैसे, नहीं तो और क्या। चलो आप हाई में आ रहे हो, लो में आ रहे हो? लो में। चलो चलो जी, चलो। फोर लो में आना है, फॉर्च्यूनर फोर लो में। आगे बढ़ते रहे, मेरी गाड़ी से आगे लगा ले कॉन्वॉय को। मूव मूव मूव, कोई नहीं, निकल आई ना फर्स्ट टाइम। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आ जाओ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
चलो जी, स्पीड से तो लग रहा है। मेरी गाड़ी से आगे बढ़ते रहे, मेरी गाड़ी के पीछे मत लगाना, मैं काफी पीछे रुकी हुई गाड़ी। हो गया काम ना? जिमनी थोड़ा ध्यान से लो में ही आना, हाई में कोई गाड़ी नहीं आएगी। आज हमारे 15 अगस्त के उमलिंगला एक्सपीडिशन का लगभग आखिरी दिन है। कल हम लोग यहाँ से वापस चले जाएंगे। पूरा कॉन्वॉय अभी इस टाइम पे उमलिंगला की चढ़ाई कर रहा है, हम लोग निर्बुला टॉप को अप्रोच कर रहे हैं। सो इस कॉन्वॉय में टोटल जो गाड़ियाँ थी वो थी 19, और 19 गाड़ियाँ जो हैं उनमें से एक गाड़ी हम लोगों ने नीचे छोड़ दिया, जो कि थोड़ा सा ट्रबल क्रिएट कर रही थी। और यहाँ पे सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, अभी कोई पीछे ना रह जाए, क्योंकि ये रास्ते थोड़े नए हैं और कन्फ्यूजिंग है, सब लोगों ने रास्ते पहले किए नहीं हैं। सो इसी तरह से हम लोग रुकते हुए कॉन्वॉय को इकट्ठा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो जो ये एक्सपीडिशन है ना, ये थोड़ा सा टफ रहा है सब लोग के लिए, क्योंकि हम एक लंबे 2 वीक के एक्सपीडिशन को ख़त्म कर रहे हैं लगभग 7 दिन में। और आई एम रियली थैंकफुल टू द गाइज जो लोग इस कंडीशन को समझ रहे हैं और दिन में 12-12, 14-14 घंटे ड्राइव कर रहे हैं। तो कल का दिन फिर से थोड़ा हेक्टिक रहेगा, जिसमें कम से कम 12 घंटे का ट्रैवल फिर से रहेगा। बट आई एम रियली होपिंग कि सब लोगों ने ये ट्रिप इन्जॉय किया होगा। रिनेश भाई के साथ आए हैं, लेकिन इट वॉज अल्टीमेट एक्सपीरियंस फ्रॉम द डे 1 टिल डेट। आई कैन नॉट से दैट आई एम नॉट एन्जॉइंग, एवरी मोमेंट आई एम एन्जॉइंग। इसमें एक ट्रैवलर की थोड़ी सी तबीयत खराब हुई थी, जिसकी वजह से इन लोग को ले वापस जाना पड़ा था एक बार। अभी लोग वापस ज्वाइन कर चुके हैं हमें, और कुछ प्रिकॉशंस हमने सब लोग को हमेशा बताई हैं कि विंडोज़ पूरा बंद ना रखें, हल्का सा वेंटिलेशन रखें, और उसके साथ में पानी थोड़ा सा पीते रहें। तो मे भी कुछ गलती उधर हुई होगी, अब फिर कुछ गलत खाया होगा, तो उसकी वजह से इशू आया होगा। उसके अलावा अब हम कॉन्वॉय के लगभग एंड में पहुंच चुके हैं, और ये आखिरी गाड़ी है। कुछ गाड़ियां हमने आज वहाँ पे हानले में ही ड्रॉप कर दी हैं, जो लोग एक दूसरे के साथ टैगअप करके आ रहे हैं, और ये आखिरी गाड़ी है जो सबसे लास्ट में आई है, थोड़ी स्लो चलती है।
थकावट होती है ऑल्टीट्यूड सिकनेस की, क्या वो हो रही है, क्या कहना चाहेंगे व्यूअर्स के लिए? मेरा नाम पहाड़ी हूँ, मैं शिमला से, सो ऑल्टीट्यूड का कोई इशू नहीं है। तो आप तो फेमस नहीं है? यस यस, एवरेस्ट बेस कैंप पे जो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए सर, हमारे यहाँ पे 6 महीने का ही सीज़न रहता है सर। एक्चुअली यही 6 महीने हमारा रोज़ रोटी है सर। हमारे साथ इस वक्त दिनेश हैं, जिनके साथ हम लगातार पिछले एक हफ्ते से ट्रैवल कर रहे हैं, तो इनसे जान लेते हैं कुछ बारीकियां। ये रास्ते कुछ टाइम पहले तक एक ट्रेल ही थे, और ट्रेल्स के ऊपर आप हमेशा जानते हैं कि ट्रेल्स आर ऑलवेज कंफ्यूजिंग। हिमांग प्रोजेक्ट को जब ये काम मिला था, काफ़ी चुनौतीपूर्ण काम था, लेकिन हमारे बॉर्डर रोड में एक सेइंग है, वी विल आइदर फाइंड अ वे और मेक वन।